हेलो स्टूडेंट्स हो पाए मोडिबल हाँ जी तो आज जो स्टेट्स की क्लास है उसमें पहले हम सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या स्कोप है और फिर हम देखेंगे कि जो पीसीएस जो पंजाब पीसीएस है उसमें सेम पोर्शन है स्टेट्स का क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या स्कोप है उसके देखो हरियाणा पहले सौ नंबर का जी होता था तो उसमें उसमें स्कोप नहीं होता था फ्रीडम नहीं होती थी एग्जामिनर के पास कि वो क्वेश्चन अच्छे डाल पाए सात नंबर का क्वेश्चन आता था और ज्यादातर वो क्वेश्चन एक टाइप का रहा लेकिन इस बार ट्वेंटी टू ट्वेंटी मार्क्स का स्टेट्स आ सकता है तो देखिए सिलेबस में देखो मेंशन क्या हुआ सीधा सीधा कि इस पार्ट में ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन एबिलिटी टू ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन ये अभी तक यही क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर ठीक है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन स्टेटिस्टिकल ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म अब इशू क्या है कि देखो ग्राफिकल गिवन है ना ये ग्राफिकल में आपका बार चार्ट ठीक है फ्रीक्वेंसी आपका भाई पीसीएस में पूछे हुए मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको ठीक है स्टेटेटिस्टिक के टूल्स में आपका मीन मोड मीडियन ये सारे पूछे हुए हैं भाई स्टैंडर्ड यहां तक की कुछ जो ज, जिन एग्जाम्स में स्टेट्स आता है आपका जो है कोरिलेशन और रिग्रेशन भी पूछा हुआ है तो हम कवर सारा करेंगे ये क्लास क्लास सॉरी वैसे तो एट से स्टार्ट हो जाता है नाइन्थेंथ इलेवें के स्टेट्स वाले चैप्टर और इकोनॉमिक्स की जो स्टेट्स की बुक आती है इलेवेंथ क्लास की उसमें से हम करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन थोड़ा सा फॉर्मूला शीट में आपको दूंगा ठीक है आपको पूरा डिटेल्ड आज का जो लेक्चर है वो पूरा डिटेल्ड आपका स्पेशली आपका बार हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है और देखिए बेसिक है ये लेकिन ये बेसिक से ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मोड मीडियन तभी होगा जब ये बेसिक आता होगा आपको समझ रहे हो मेरी बात जब ये बेसिक आता होगा तभी ये होगा ठीक है तो इसके बाद सीधा मैं आता हूं पहले आपको पीसीएस के पेपर दिखाता हूं उसे एनालाइज करते हैं पीसीएस के पेपर को और फिर फिर हम देखेंगे कि क्या विजिबल है यह क्वेश्चन देखिए द फॉलोइंग डेटा गिव्स 2007 2007 जीडीपी इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ऑल 50 स्टेट्स पचास स्टेट्स की बिलियंस ऑफ डॉलर में आपकी क्या गिवन है जीडीपी है यूएसए की पचास स्टेट्स की ठीक है ये पीसीएस का टू वाले पेपर का क्वेश्चन है टू वाले पीसीएस का क्वेश्चन है ठीक है द डाटा आर एंटर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर जो भी स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द मीन मीडियन फॉर दिस डाटा एंड मोड तीनों चीज मीन मीडियन मोड पूछे हैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हरियाणा में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो लगभग इसके मार्क्स रखेगा लगभग लगभग सात से आठ या दस तक इसके मार्क्स रखेगा समझ लो क्या निकालना इसमें मीन मोड मीडियन तीनों चीजें निकालनी है ये आपकी नाइन्थ क्लास की एनसीआरटी में है कल मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम मीन मोड मीडियन जी फाइन अच्छा फिर देखिए ये है ग्राफ ये जैसा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है वैसा क्वेश्चन है इसमें क्या है 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 ग्राफ दिया हुआ हुआ डाटा डाटा गिवन है. डाटा के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा इन द केस ऑफ क्वेश्चनिटी आर द रेश ऑफ प्रोडक्शन टू द एक्सपोर्ट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट तो आपको देखना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो हाइएस्ट और लोवेस्ट किस केस में है शुगर के केस में है जूट के केस में किस केस में है समझ लो ये दूसरा क्वेश्चन है मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या ऐसा हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन का अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ठीक है इसमें तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो ये का. ये लगभग 15 15 मार्क्स मार्क्स का 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 भी कितने का? का. फिर क्वेश्चन आपके मैं बताऊं दो क्वेश्चन है जो आपके सिंपल जैसे आपके एवरेज के क्वेश्चन होते हैं या मैं बात करूं एलिगेशन uh, का 10 मार्क का क्वेश्चन वो आया हुआ है द मीन मंथली सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज इज अराउंड सिक्स मीन मंथली सैलरी ऑफ मेल फीमेल 620 एंड 520 तो उनका एम्प्लॉइज का कितने परसेंटेज मेल है कितने परसेंटेज फीमेल है तो सिंपल आपका हाँ जी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और भी हाँ जी अब विजिबल है तो ये देखो ये क्वेश्चन आपका किसका है एलिगेशन का क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन हरियाणा 2012 में पूछे हैं उन्होंने एवरेज और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के पूछे हैं तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी है ठीक है ये भी हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे डिटेल में समझ लो तो अब दूसरा पेपर दिखाता हूं आपको ये तो था 2018 का 2015 का देख लो 2015 का हां जी अब ये सबसे डिफिकल्ट पेपर था अगर मैं स्टैट्स के हिसाब से बात करूं तो ये देखिए इस क्वेश्चन पेपर में विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी इस क्वेश्चन की मतलब मैं बात करूं इस पेपर की इसमें ना क्या क्या पूछा हुआ है इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों को साफ नहीं दिखेगा लेकिन इसमें बात करूं तो इसमें आपके को और रिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं को और रिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सिंपली आप दो घंटे में जितना क्वेश्चन का लेवल है आप सिर्फ दो घंटे में वो चीज सीख सकते हो एक चीज है कि आप उसे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि हरियाणा ना पूछे पूछे ना पूछे, पता नहीं अवॉइड कर सकते हो कि रिग्रेशन हम पढ़ें या ना पढ़े आप छोड़ सकते हो दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप कि आप दो तीन घंटे लगाइए और इस टाइप के क्वेश्चन करिए दूसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है दूसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है।, है फिर आपका अगर मैं बात करूं हां जी ये आपका कोरिलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और हिस्टोग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है हिस्टोग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम समझ लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका क्वेश्चन है ये ठीक है सेम अगर मैं बात 2013 पंजाब पीसीएस की ये देखिए इसमें इस क्वेश्चन में, इस में पूछा है आपका हां जी पाई चार्ट बनाना क्या पूछा है पाई चार्ट बनाना फिर उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए पाई चार्ट बनाना रिलीजन आपको पाई चार्ट बनाना है ठीक है अब सौरभ हरियाणा का, का जो पहले पेपर था वो सिर्फ सो नंबर का था तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेट का बनता था सात नंबर आठ नंबर सात नंबर के क्वेश्चन आते थे तो वो उसके साथ खेल नहीं सकते थे कि वो डेविएशन का दे दे या मीन मोड मीडियन का दे दे उन्होंने क्या किया तीनों साल एक जैसा कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया लेकिन इस साल चेंजेस होने के चांस है वो देखेंगे कि ऐसा देखो बिहार में स्टैटिस्टिक्स है आपका पंजाब में स्टैटिस्टिक्स है 2012 से पहले ध्यान देना 2012 के मेंस में भी मैंने खुद लिखा था यूपीएससी का 2012 का मेंस तब भी स्टैट्स जीएस के पेपर में होता था समझ रहे हो तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको 20 से 25 नंबर के लिए करने चाहिए क्योंकि तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर पाऊंगा देखिए पाई चार्ट भी पूछा है आपका इसमें इसमें आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन पूछा है आपको कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है रेंज दिख, दिख रही है समझ लो ये देखो ये ग्राफ है ग्राफ का डाटा इंटरप्रिटेशन जैसा क्वेश्चन ध्यान रखना चाहे वो आपका परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो एवरेज का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको जो आप सी सेट में करते हो वैसे नहीं करना आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो सब्जेक्टिव के हिसाब से करने हैं आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ये पूछा गया है फिर पूरी डिटेल बताओगे कि डाटा में ये ये चीज गिवन है ऐसे ऐसे हम ये एक्स माना ये वाई माना पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे फिर देखो ये पाई चार्ट बेस्ड पाई चार्ट दिख रहा है आपको पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है समझ लो ये तीनों पेपर मैंने दिखाए पंजाब पीसीएस के इसलिए दिखाए कि सेम सिलेबस पे कितना वो स्टेट्स के लिए खेल सकते हैं कितना वो पूछ सकते हैं सीधी सी बात है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बताओ अब डाउट्स बताओ पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे हाँ जी हरियाणा वाले अब तक सिर्फ कंक्लूजन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार भी नहीं पूछी उन्होंने ठीक है ना ना पाई चार्ट पूछा ना हिस्टोग्राम पूछा हिस्टोग्राम कुछ नहीं पूछा है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से अगर वो 15 टू 20 मार्क्स पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन वो देंगे ठीक है दूसरा अगर आपके पास डेटा है उसका ग्राफ तो यूज करके आप आप अच्छे आंसर लिखते हो तो उसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे सिंपल हां जी बताइए मुझे एनी इश्यूज अबाउट दिस कोई इशू है इसके बारे में बताइए हाँ जी देखो आप ये क्या क्या पूछ सकता है वो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की अब तक ठीक है अब मैं आता हूं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं ठीक है आज हम बेसिक चीजें करने जा रहे हैं Especially, बहुत से बच्चों को नहीं पता कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी अनग्रुप डाटा की कैसे बनेगी ग्रुप डाटा की कैसे बनेगी फ्रिक्वेंसी पोलिगन भी पूछा हुआ है इत, उसमें कि आप फ्रीक्वेंसी पोलिगन बनाइए ठीक है ये देखिए डायग्राम बनाना है दो कॉलेज के बीच में कंपेरिजन का बारग्राफ बनेगा सीधी सी बात है बारग्राफ्स बनेंगे डबल बारग्राफ्स बनेंगे तो ये चीज आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फाइन कोई डाउट है पूछो माइक ऑन कर सकते हो माइक ऑन करके पूछ सकते हो कुछ भी लेकिन पहले बता के हां जी अब तक कोई इशू है किसी को हां जी फाइन चलिए अब मैं आता हूं देखो जो ये आपकी क्लासेस हैं नाइन्थ क्लास की एनसीआर है इलेवंथ क्लास की एनसीआर तीन चैप्टर तो वो और दो चैप्टर आपकी स्टेटेटिक्स की इकोनॉमिक्स वालों के लिए लगती है इलेवेंथ क्लास की एनसीआर टी उसमें से को रिलेशन रिग्रेशन कराऊंगा वैसे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है सिंपली क्वेश्चन मैं दूंगा शीट में दूंगा आपको समझना है बस छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करनी है एक या दो घंटे दे दो जिस दिन क्लास होती है उसी दिन करके सो जाना नेक्स्ट क्लास में फिर से एक दो घंटे दे, दे देना ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करवाऊंगा आपका ठीक है तो आज का जो लेक्चर है अगर मैं बात करूं तो आज का जो लेक्चर है वो सिंपली हम बात करते हैं कि आपका किस चीज बेसिस पे है आज का हमारा लेक्चर है बेसिक चीज पे। डेटा कलेक्शन क्या चीज होती है? डेटा, सी बात है डेटा होता है आपका कि आप सिंपली कुछ भी नंबर कलेक्ट करते हो किसी चीज का फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट की कितना वेट कलेक्ट किया वो डेटा है रो फॉर्म में डेटा है वो मान लो सौ बंदों की क्लास थी आपने डेटा कलेक्ट किया सो बंदों की क्लास का और आपने वो डाटा सारा का सारा एक शीट पे लिख लिया वो डाटा है लेकिन अभी तक वो डाटा है स्टेटिक्स का क्या काम है और क्यों हम पढ़ रहे हैं और एक सही बात बताऊं जो रो डाटा है उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक हम स्टेटिक्स के टूल्स नहीं लगाते स्टेटिक्स होता है सिंपल सी बात है आपके रो डाटा से इंफॉर्मेशन निकालना यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना वो स्टेटेटिक्स का काम है सीधी सी बात है रो डाटा आपका प्राइमरी डाटा भी हो सकता है सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है प्राइमरी डाटा होता है आपका फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी डाटा होता है कि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो सेकेंडरी डाटा होता है आप पहले से इकोनॉमिक सर्वे में डाटा गिवन है उसको यूज कर रहे वो हो वो सेकेंडरी डाटा होगा आपका खुद की कलेक्शन नहीं है वो डाटा की डाटा की कलेक्शन वो खुद की नहीं है तो अब स्टेट्स का मतलब हो गया कि आपको क्या करना है वो डाटा आपको क्या करना है एनालाइज करना है उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है सिंपल अब क्या होता है कि आपको स्टेट्स में आपको कुछ वो गिवन है कि आपको कुछ अगर मैं बात करूं डेटा गिवन है कुछ भी डाटा गिवन है किसी भी डाटा की हम बात कर लेते हैं ठीक है किसी भी डाटा की हम बात कर लेते हैं कोई भी एक्स वाई जेड डाटा ले लेते हैं उससे स्टार्ट करके और फिर हम बात करेंगे कि डेटा को आप स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हो डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हो हाँ जी तो देखिए जहां तक विजिबल हो मुझे बताना मैं इसको बढ़ा करता हूं हाँ आपने डेटा कलेक्ट कर लिया उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी ठीक है

अब इस डाटा इसको ये आपके लिए रो डाटा है इसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है निकाल सकते हो क्योंकि जो सैंपल साइज है वो छोटा है सिर्फ दस बच्चों का ही है ना दस बच्चों का ही है आप इसको देख के क्या क्या बता सकते हो देख के तो आप ये बता सकते हो कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स कितने इसमें देखिए हाईएस्ट आप सबसे पहले इसको अरेंज कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हो जैसे ये अरेंज किया हुआ ट्वेंटी फाइव आपके लोवेस्ट है ट्वेंटी लोवेस्ट है

जो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपकी रेंज ऑफ डेटा कहलाती है और ये एक या दो नंबर का सब्सिडरी क्वेश्चन बन सकता है आपका पूरा डेटा गिवन है उसका मीन मोड मीडियन पूछा है उसमें रेंज भी पूछ सकता है तो वो रेंज क्या होगी आपका जो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट तो कितनी हो जाएगी भाई 95 25 कितना हो गया हां जी कितना हो गया ये 70 दैट अब दूसरा देखो आपको तीस बच्चों का डेटा गिवन है आपको थर्टी स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है थर्टी स्टूडेंट्स का एक दो दस का नहीं थर्टी स्टूडेंट्स का अब इस डेटा के आप क्या कर सकते हो इस डेटा को भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो विजिबिलिटी आई थिंक ठीक है कोई ज्यादा इशू नहीं है ठीक है ज्यादा इशू हो तब तो बोलना आई थिंक विजिबिलिटी ठीक है यहां ठीक है अब देखो इस डेटा को कंसिडर करो बच्चे 10, 20, 36, 90, 30 स्टूडेंट्स का डेटा है कंज्यूमिंग होगा होगा कि नहीं होगा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो आप इस डेटा के साथ क्या कर सकते हो जैसे याद करो उसमें यूएसए वाला क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें मीन मोड मीडियन और आपके पास जो डाटा था ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं यूएसए वाला क्वेश्चन पीसीएस में जो डेटा था वो कैसा डेटा गिवन था रो डेटा गिवन था पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन था वो और उससे मीन मोड मीडियन आपको डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल्स में अरेंज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी क्या बनानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल

हाँ जी दो ठीक है दो और दो तीन चार चार बच्चों के सेवेंटी मार्क्स आ हुए हैं है ना चार बच्चों के हमारे सेवेंटी मार्क्स हैं दिख रहे है? हाँ जी सेवेंटी मार्क्स कितने बच्चों के चार बच्चों के तो आप क्या कर सकते हो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो अनग्रुप्ड का मतलब क्या है कि आपका फिगर्स ले ली टेन ले लिया ट्वेंटी ले लिया ले 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 लिया, 92 ले लिया, 95 ले लिया, ऐसे फिगर ली, ascending order में arrange कर ली, में कर ये 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 देखो, देखो, अब है, लेकिन डाटा की है डाटा मतलब छोटा था तो उसमें से easily आपने क्या किया उसमें से easily आपने कुछ एक जो मार्क्स थे वो देखे और उसके सामने फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि टेन मार्क्स कितने बच्चों के आए कि वो डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है? वो डेटा कितनी बार रिपीट रिपीट हुआ हुआ है 20 है है वो कितनी एक बच्चे का आए 36, तीन बच्चों के आए 40, चार बच्चों के आए नंबर कितने बच्चों के आए बच्चों के नाइन टू बानवे नंबर कितने बच्चों के आए समझ लो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है ये अनग्रुप डेटा की है छोटा अगर आपका है तो अनग्रुप डेटा चल जाता है ट्वेंटी थर्टी तक अनग्रुप डेटा चल जाता है लेकिन अगर उससे ऊपर हो तो आपको दिक्कत होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए उसके लिए आपको बनाना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ग्रुप्ड डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ग्रुप डेटा वो कैसे बनाओगे ध्यान देना बच्चों ये क्या हो गया आपका अन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें सो प्लांट्स का डाटा है कितने सो प्लांट्स का डाटा है और एक मंथ के बाद हां जी सो स्कूल्स का डाटा है हर स्कूल में सो प्लांट लगाए गए थे मतलब सो पौधे लगाए गए थे वृक्षारोपण किया गया था सो सो लगाए ठीक है उसमें से एक महीने बाद कितने सरवाइव किए उसका डाटा है अब सो का डाटा है तो वो तो दिक्कत करेगा जैसे यूएसए वाले क्वेश्चन में यूएसए के स्टेट्स की जीडीपी गिवन थी तो उसका मीन मोड मीडियन या कुछ भी निकालना था तो 50 का तो डाटा बहुत बड़ा हो जाता है एनालाइज करने के लिए उसके लिए आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए क्या आनी चाहिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए ठीक है वो कैसे बनाओगे वेट ए मिनट चलिए वो कैसे बनाओगे हाँ जी ध्यान से सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी अब सो स्कूल्स का डेट है इसके लिए हम क्या करते हैं हम बनाते हैं क्लास इंटरवल्स की बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे क्लास इंटरवल्स की बात करेंगे आपका क्लास इंटरवल्स क्या हो सकते हैं अब आपके सो प्लांट्स थे तो जो सर्वाइवल का डाटा होगा वो एक से सौ के बीच में होगा या आप कह लो जीरो से एक भी सर्वाइव नहीं किया किसी स्कूल में सो के सो सर्वाइव कर यही 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 होगा 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 डाटा 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 ठीक 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 है यही ठीक है 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 इसमें कोई है किसी को तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आप क्या करते हो ग्रुप डाटा की आप क्लास इंटरवेल्स बनाते हो आप क्या करते हो क्लास इंटरवेल्स बनाते हो ठीक है वो क्लास इंटरवल्स कैसे बनेंगे हाँ जी यूजुअली जीरो से हम स्टार्ट नहीं करते वन से स्टार्ट करते हैं लेकिन इस डाटा में जैसे बुक में वन से ही स्टार्ट किया हुआ है तो यूजुअली हम जो टेबल बनाते हैं वो शुरुआत में तो ज्यादातर लोग कैसे बनाते थे जीरो टू नाइन ठीक है नाइन टू ध्यान से सुनना टेन टू नाइनटीन ठीक है टेन टू नाइनटीन ठीक है टेन टू इनटीन ट्वेंटी हां जी ट्वेंटी टू ठीक है ऐसे ले सकते हैं या फिर आप क्या ले सकते हो वन टू टेन ठीक है इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी थर्टी वन टू फोर्टी ऐसे आप क्या बना सकते हो क्लास इंटरवेल्स क्या बना सकते हो इनको क्या बोलते हैं क्लास इंटरवेल्स और क्लास साइज क्या होता है क्लास साइज होता है कि कितना इसका साइज है क्लास विथ भी बोलते हैं यहां क्लास विथ था आपकी 10 की क्लास विथ कितने की है 10 की क्लास विथ था आपकी कितने की है 10 की क्लास विथ क्या है टेन की क्लास विथ है दस दस की आपने क्लास विथ ली ये आपकी क्लास इंटरवेल की

यहाँ जो मिनिमम नंबर था वो 20 से था तो इन्होंने 20 से ही स्टार्ट कर लिया 22 ध्यान दीजिए विजिबिलिटी बताइए मुझे देखिए 22 29 क्लास इंटरवल लिया 32 39 40 टू 49 और ये फ्रीक्वेंसी आई मतलब 20 से 29 के बीच में कितने पौधे ने सरवाइव किया है तीन स्कूल है जिनमें 20 से 29 तक आपके पौधे सरवाइव किए हैं

टेन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व कर दो लगभग लगभग पैंतालीस कुलों में ऐसा हुआ है तो इससे आप ज्यादा इंफ्लुस निकाल सकते हैं समझ रो? अब क्या है ये तो था जब आपका डेटा डिस्क्रीट है, मतलब दो पौधे चार पौधे ऐसे हैं मान लो हाइट होती इसकी बजाय पौधे की हाइट या आपकी क्लास में ये डेटा आपके बच्चों की हाइट के ऊपर होता तो हाइट तो आपकी डेसिमल में भी हो सकती है हाइट तो डेसिमल में भी हो सकती है ना हाइट तो डेसिमल में भी हो सकती है ठीक है वेट भी डेसिमल में हो सकता है तो उस केस में क्या है जो ये गैप पड़ रहा है ना गैप किस चीज का पड़ रहा है 69 और 70 के बीच में ध्यान दीजिए 69 और 70 के बीच में भी तो हो सकता है किसी बच्चे का वेट 69.5 भी हो सकता है ना हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे बताओ किसी बच्चे का वेट यहां 89.5 होता हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे बताओ हो सकता है ना हाँ जी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ठीक है अब इस चीज के लिए आपको क्या करना है यूजुअली हम क्या करते हैं जितना ये गैप है ना जैसे 70 माइनस सिक्सटी है एक का गैप है तो एक को दो से डिवाइड कर दूं एक को दो से डिवाइड किया पॉइंट फाइव तो आप क्या करोगे लोअर लिमिट में पॉइंट फाइव घटाओगे और अपर लिमिट में आप पॉइंट फाइव एड करोगे ध्यान देना मैंने क्या बोला लोअर लोअर लिमिट लिमिट में में घटाओगे और अपर लिमिट में क्या करोगे करोगे समझो नहीं समझो लोअर लिमिट में क्या करोगे पॉइंट फाइव घटाओगे अपर लिमिट में क्या करोगे एड करोगे मतलब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो डेटा क्या हो जाएगा नाइनटीन पॉइंट फाइव एंड ट्वेंटी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये चीज करनी जरूरी है अगर आपके डाटा में गैप है ठीक है ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव एंड ये क्या हो जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट फाइव बताओ भाई कोई इशू है कि आपको कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आपको क्या है क्लास इंटरवल्स बनाने हैं ना कि डिस्क्रिप्ट हिमांशी आई थिंक अभी तो विजिबल है मोर देन एनफ विजिबिलिटी होनी चाहिए अभी तो हां जी बताओ अब कि आपका क्या है कि डेटा 40 है इसको क्या लिखोगे 39.5 लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगी क्लास इंटरवल की 49.5 लोअर लिमिट इसकी क्या होगी 29.5 अपर लिमिट क्या होगी 39.5 बताओ भाई बताओ बताओ मुझे कोई इशू है इसमें है हाँ ना सीधी सी बात है अच्छा एक और इश्यू आ जाता है अगर आपका मान लो 29.5 गिवन है तो कौन से डेटा में रखना है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहां काउंट करोगे इसकी फ्रीक्वेंसी कहां काउंट करोगे हाँ जी फ्रीक्वेंसी हमेशा लोअर लिमिट में काउंट करते हैं मतलब अगर 29.5 है ना वो इस डेटा में काउंट नहीं होगी इसमें 19.5 काउंट करोगे 29.5 कन्वेंशन के हिसाब से अपने हमें सीधी सी बात है अपने हिसाब से लिया है कि जो हमें सूट करता है ठीक है पहले वाली लोगे 29.5 अगर 39.5 है तो वो इस क्लास इंटरवल में नहीं काउंट करोगे वो किस क्लास इंटरवल में काउंट करोगे इस क्लास इंटरवल में काउंट करोगे समझे हो के नहीं समझो जो लोअर लिमिट है अगर मान लो ये इंटरवल क्या 59 है 59.5 वाला इंटरवल है और इसकी अपर लिमिट 59.5 है तो 59.5 लोअर लिमिट वाले में कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट वाले में वो फ्रीक्वेंसी रखोगे गॉट इट और नॉट जी एनी इश्यू विद ठीक है देखो कई बच्चे कहेंगे सर ये बेसिक क्यों करा रहे हो इन बेसिक के बिना ना आप चार्ट बना पाओगे ना आप ग्राफ बना पाओगे कुछ नहीं बना पाओगे फाँगे? चलिए हा अब देखो ये वेट का डेटा था इसमें हमने यही चीज की हमने क्या क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस बनाया अब देखो मैं इस दिखा हूं वेट तो आपका क्या हो सकता है कंटिन्यूस हो सकता है ना 49.6 नाइन पॉइंट सिक्स भी हो सकता है किसी का किसी का थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव भी हो सकता है, है ना हो सकता है तो आपको क्लास इंटरवल्स को क्या बनाना है कंटिन्यूस बनाना है आपको क्या बनाना है क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाना है इतना समझ आया कि नहीं आया बताओ मुझे अभी तक अभी तक किसी को कोई इश्यू है तो बताओ मुझे हाँ जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आना चाहिए ना हिस्टोग्राम बना पाओगे ना बार ग्राफ बना पाओगे कुछ नहीं बना पाओगे अगर आपको वो नहीं आता ठीक है क्लास मार्क क्या होता है ये ध्यान क्लास क्लास मार्क मार्क भी बता देता हूं। लेते हैं हम जो इनका गैप होता है ना जैसे क्लास मार्क क्या होता है किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्लास मार्क होता है किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आपका क्या होता है क्या होता है क्लास मार्क ठीक है अतुल हाँ मैं एडवाइस करूंगा अगर ऐसा डाटा है जिसमें आपका आपको दिख रहा है कि डेसिमल नहीं है तो उसको बना सकते हो बट 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 ज्यादातर केसेस में एग्जामिनर देखता है कि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है कि नहीं देखता है एग्जामिनर ठीक है तो कंटिन्यूस ही बनाओ अपने डाटा जो भी है आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा बनाओ और कंटिन्यूस बनाओ ठीक है हाँ जी तो देखो क्लास मार्क क्या होता है 65.5 60.5 करोगे तो आपका कितना आया ये आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ गया 2.5 है ना ठीक हूं मैं तो इसमें 2.5 कर दो इसका क्लास मार्क क्या होगा 63 ये भी ध्यान रखना क्लास मार्क आपका मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होता है आपका मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का यहां तक किसी को इशू है बताओ ठीक है अब आपको क्या करना है ये सारे क्वेश्चन ना शीट नंबर वन में गिवन है ठीक है ये सारे क्वेश्चन आपको जो पहली शीट दूंगा लेक्चर की उसमें गिवन है आपको वो क्वेश्चन करने हैं ठीक है आपको वो क्वेश्चन करने हैं और उस बेसिस पे आंसर भी करने हैं हाँ काइंड kind ऑफ of कह सकते हो उसकी एवरेज आपकी दोनों की एवरेज जो है आर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो वो आपका क्लास मार्क हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा क्लास मार्क फाइन चले अब इसमें देखो डेटा के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं वो आपका जैसे मैंने क्लास जो आपकी शीट है क्लास शीट कहां गई फर्स्ट क्लास की उसमें ये क्वेश्चंस डाले हैं देखो विजिबिलिटी बताना अब मुझे जहां विजिबल हो जाए मुझे बता देना ठीक है ये दिख रहा है ठीक है दिख रहा है हाँ ये डाटा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ठीक है इस बुक में ही नाइन्थ क्लास के एनसीआरटी में ही है ये डाटा है तो देखो इस डाटा के ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बना दोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दोगे 84, 86, 86, 88, ये आ, ऐसे आपको क्या लेने क्लासेस लेने बट सीधी सी बात है पॉइंट्स में तो आपको ध्यान रखना 83.5 से स्टार्ट करना कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल लेने है ना कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल लेने है पहली चीज अब इस डाटा के बेसिस पे देखो दूसरा क्वेश्चन देखो विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट अब ये ये ध्यान देना रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है रिलेटिव क्वेश्चन बन गया इसका ये कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है कौन से मंथ में हो सकती है इतनी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताओ मुझे हाँ जी बताओ मैं कहता हूं ह्यूमिडिटी का, का वो है हरियाणा के किसी हरियाणा रीजन के किसी मंथ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डाटा है और लगभग सब में ही हंड्रेड के आसपास है रेनी सीजन का ये तो सबको ही पता है वो मंथ पूछ रहा है ना तो मंथ में क्या बताओगे हां जी, जुलाई अगस्त जुलाई और अगस्त दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं हरियाणा में मैक्सिमम रेनफॉल होती है अगस्त में हरियाणा में मैक्सिमम रेनफॉल किसमें होती है अगस्त में आप जुलाई स्लैश अगस्त लिख दोगे आपका आंसर ठीक हो जाएगा नो no इश्यूज। समझ रहे हो मेरी बात ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप तैयार रहो फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी वट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा मिनिमम माइनस मैक्सिमम कोई इशू आएगा ये करने हैं आपको घर जाके ये क्वेश्चन करने हैं फिर आप देखो द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर्ड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में हाइट नापी गई है बच्चों की ठीक है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बना लोगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इश्यू आएगा ठीक है हाँ जी हाँ ठीक है थर्टी डेज का गिवन है आप लिख सकते हो जुलाई अगस्त का मैक्सिमम तो उसी में होगी इंडिया में और कोई मंथ नहीं है जिसमें इतनी ह्यूमिडिटी होती है ठीक है हां जी ये फिफ्टी स्टूडेंट का डाटा है देखो इसमें पूछा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल टेबल से तो आप क्या कर सकते हो कि हाइट इतने और इतने के बीच में है ठीक है हाइट इतने और इतने के बीच में है या आप बात कर सकते हो कि अगर मैं बात करूं, हाँ जी गुड न्यूट्रिशन की बात कर सकते हो ठीक है एवरेज हाइट इंडिया की लगभग स... अगर मैं बात करूं वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर के आसपास है हाँ जी नो जुलाई और अगस्त आप इसको वही कह रहा हूं ना रेनी सीजन का ये थर्टी डेज का मैंने ध्यान नहीं दिया आप जून कर सकते हो या सितंबर कर सकते हो लेकिन जून बेटर रहेगा फिर अगर लेकिन हरियाणा का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था ये कि ऐसा डाटा आएगा तो आपको क्या करना है फाइन अब ये देखो कंपनी इसमें आपका दोनों चीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको उस डेटा से क्या इंफ्रेंस निकालना वो भी हो जाएंगे ठीक है एनी इशू विद दिस अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे ग्राफ वाले पे आ जाते हैं अब हम ठीक है अब ग्राफ देखो तीन टाइप के ग्राफ आप मेन करोगे और पाई चार्ट भी मैं सिखाऊंगा ठीक है बार ग्राफ, बार ग्राफ हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म विड्थ हिस्टोग्राम में कई बार क्या होता है जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं ना वो वो इक्वल नहीं होते ऐसा हो सकता है समझ लो ये आपको करने हैं क्वेश्चन घर से मैं दिखा रहा था कि ये शीट मिलेगी आपको और आपको घर से करने हैं जो मैंने दिखाया वो शीट दूंगा मैं ठीक है अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख लो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो मतलब डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन

और आपका क्या हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है कुछ ना बोला गया हो तो वर्टिकल बनाओगे कुछ ना बोला गया हो वर्टिकल बनाओगे आप मतलब आपको जहां जो है फॉर एग्जांपल आपको ये दिया गया है कि इस मंथ में कितने कितने स्टूडेंट्स के मतलब अगर मैं बात करूं इस मंथ में कितनी कितनी रेनफॉल हुई है या इस मंथ में आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है बर्थडे दिए हुए हैं बर्थ किस किस मंथ में हुआ है तो आपका ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है कुछ का जनवरी में कुछ का मार्च में कुछ का अप्रैल में सिंपल है तो आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर क्या रखोगे मंथ्स ऑफ बर्थ रखोगे क्योंकि आपका क्या है कि ये डिस्क्रीट डाटा है भाई बारह महीने आपने बारह महीने इसमें रख दिए हमेशा क्या है ध्यान रखना आपको क्या आप होरिजोनटल एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो और क्या वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपको लिखना है एक्स एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ ऑफ बर्थ और वाई जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां भी मेंशन करोगे ठीक है और यहां भी मेंशन करोगे ठीक है फिर आपका जो ग्राफ का चार्ट होता है उसमें जैसे वन सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग वन स्टूडेंट टू सेंटीमीटर अगर टू सेंटीमीटर अगर ये दो को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो आप उसमें करोगे करोगे में ये अपने डेटा में समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है अतुल रिकॉर्ड हो रही है मैं रिकॉर्डेड क्लास आपकी पोर्टल पर डालूंगा ठीक है Fine. अगर ये चार होता ठीक है तो सिंपल सी बात है फिर ये होता तो आपका एक सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है दो स्टूडेंट्स को वो स्केल भी मेंशन करना है वो स्केल भी आपको मेंशन करना है, दिस तो आपके ग्राफ प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाने आप जो शीट में ग्राफ दिए गए हैं वो बनाओगे शीट में जो ग्राफ दिए हैं बनाओगे मैं भी दिखाऊंगा कुछ एक इसमें ग्राफ ठीक है जैसे इसमें हेड्स दिए हुए हैं आपके ग्रोसरी और एक्सपेंडिचर तो ये जो हेड्स है ना ये जो डाटा है ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करो और जो थाउजेंड्स में रुपीस दिए गए हैं वो आप वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करो और मेंशन करो उसको, ठीक है उसपे आएगा ऐसे ग्राफ बनाने में नहीं आएगा ना इसमें बार ग्राफ में ज्यादा इश्यू नहीं आता इश्यू आता है आपका ग्रुप डेटा में इश्यू किस में आता है ग्रुप डेटा ग्रुप डेटा के लिए आप हिस्टोग्राम बनाते हो क्या बनाते हो ग्रुप डेटा के लिए हिस्टोग्राम ना कि आप बार ग्राफ अगर ग्रुप डेटा के लिए बार ग्राफ बनाना है तो क्लास मार्क निकाल के तब बनाना यूजली हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ग्रुप डेटा के लिए क्या बनाते हैं रिकॉर्डेड क्लास पोर्टल पे जहां आप ये, देख रहे हो, ये है आपका जूम और ज, जहां से आपको लिंक मिला था ना उसके नीचे ही मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा आपकी ठीक है उसके नीचे ही रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा मैं ठीक है अब हिस्टोग्राम आज ये पूरी ही करते हैं मैंने सोचा था एक घंटे की रखेंगे बट बीच में आपका ये बंद हो गया था सी तो हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं ठीक है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम देखो दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ लेकिन इसमें क्या है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होंगे क्या होंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल ये देखिए ऐसे ये आपको आप बनाने आते हैं तो कोई डेटा है उसका अगर आपको

अब देखो ठीक है रखा ये बन गया ठीक है अब एक चीज ध्यान दो क्लास इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है जीरो से हो रहा है शुरू आपका नहीं हो रहा क्लास ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें क्लास इंटरवल जीरो से शुरू हो रहा है नहीं हो रहा आप तो क्लास इंटरवल थर्टी पॉइंट फाइव से शुरू कर रहे हो ना आप क्लास इंटरवल किससे शुरू कर रहे हो थर्टी पॉइंट फाइव से शुरू कर रहे हो ठीक है तो आप इतना ज्यादा ग्राफ को उधर तो लेके नहीं जा सकते कि आप पहले जीरो टू फाइव या जीरो पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव ऐसे करके लाओ नहीं ना वो तो मुश्किल होगा जब ऐसे आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको निक देना होता है निक समझ लो ये निक दी हुई है ये निक कहलाता है ऐसे करके सिंबल आपको अपनी लाइन के बीच में डालना पड़ेगा ये होता है निक दोनों पे वर्टिकल एक्सिस पे दे सकते हो मान लो ये डाटा आप 20 से शुरू करते 20, 22, 24 ऐसे शुरू करते तो यहां निक देते कहा निक देते वर्टिकल एक्सिस पे निक होता है जब आप डेटा रिप्रेजेंट जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो सडन डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो और क्लास इंटरवल उसके बाद शुरू हो रहे गॉट इट और नॉट जी ये निक होगी पहला अब दूसरा इश्यू क्या है इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में आपके क्लास इंटरवल होमोजेनियस थे होमोजेनियस का मतलब क्लास विड्थ सेम थी इस क्वेश्चन में क्लास विड्थ सेम थी कि नहीं इस क्वेश्चन में क्लास विड्थ थी सेम फाइन क्लास विड्थ क्या थी बिल्कुल सेम थी ठीक है कोई इशू नहीं आया आपने हिस्टोग्राम बनाया बढ़िया हिस्टोग्राम बना ये देखो सबकी विड्थ सेम है सब कुछ सेम है ऐसे में आपके यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम्स बनते हैं लेकिन अगर आपका डाटा ऐसा हो ये डेटा देखो इसमें क्या गड़बड़ है इस डेटा में देखो बताओ मुझे इसमें क्या गड़बड़ दिख रही है आपको इस डेटा में क्या गड़बड़ दिख रही है हाँ जी बताओ मुझे इस डाटा में क्या गड़बड़ दिख रही है हाँ जी कुछ पता लग रहा हा, है हाँ जो क्लास विड्थ है ना इसमें ट्वेंटी है इसमें थर्टी इस है इसमें थर्टी सॉरी इसमें टेन है 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 सेवेंटी ऑन अब हंड्रेड तक आई है तो इसकी थर्टी होगी क्लास इंटरवल अलग अलग है, है कि नहीं क्लास इंटरवल अलग अलग है जब ऐसा डेटा आता है तो जो आपका जो है ध्यान देना तो जो आपकी जो वर्टिकल हाइट है वो चेंज हो जाएगी आपकी किसकी हिस्टोग्राम की हिस्टोग्राम की वर्टिकल जो रेक्टेंगल है, उसकी चेंज हो जाएगी कैसे होगी ये ध्यान देना कैसे रिप्रेजेंट करोगे अब ये फ्रिक्वेंसीज हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंसीज है नब्बे आपका टोटल स्टूडेंट्स कितने मार्क्स की फ्रीक्वेंसीज है ठीक है नॉर्मल बच्चा जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो ये डायग्राम बना के आ जाएगा उसने इंटरवल क्या लिया जीरो पहला ले लिया ठीक है दूसरा क्या लिया ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू हंड्रेड अब इसमें आपको अनप्रोपोर्शनल नहीं लग रहा इसका एरिया देखिए और इसका एरिया देखिए ये एरिया बहुत ज्यादा है ये दर्शाता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस एक्चुअल में इसकी फ्रिक्वेंसी कम है एक्चुअल में इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो इस प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम को हमको कैसे ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को आप कैसे ओवरकम करोगे बताओ भी मुझे कैसे ओवरकम करोगे इसको इसका सीधा सा तरीका है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें एक और कॉलम ऐड करना है हाइट ऑफ रेक्टेंगल हाइट ऑफ रेक्टेंगल क्या ऐड करना करने हाइट ऑफ रेक्टेंगल वो बच्चे इसने नंबर सो में से बोले हैं, तो सेवेंटी टू हंड्रेड ही लोग हैं ना सो तक नंबर बोले इसने तो वो सेवेंटी टू हंड्रेड लेते हैं है ना देखो हंड्रेड मार्क्स मैक्सिमम है तो बच्चे के सेवेंटी टू हंड्रेड के बीच में ही आएंगे ना तो सो तक लोगे वो फाइन निशा अब ये चीज देखो जी आपको रेक्टेंगल की हाइट का क्या है वो निकालने। तो तो इसमें ट्वेंटी ही होगी उसमें थर्टी होगी इसमें टेन होगी हाइट चेंज हो जाएगी हाइट कैसे चेंज हो जाएगी उसके लिए आपको क्या करना है जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी गिवन है क्लास साइज गिवन है क्लास साइज जैसे इसका ट्वेंटी है इनटू जो मिनिमम क्लास साइज है इनटू मिनिमम क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज मिनिमम क्लास साइज वो करना है तो यहां क्या हो जाएगा 70 बाई ट्वेंटी इंटू टेन ये क्या होगा 3.5 मतलब सात पे नहीं जाओगे हाइट जो है रेक्टेंगल की वो 3.5 ही रहेगी यहां 10 था 10 था तो 10, था तो 10 10 फ्रीक्वेंसी भी 10 है इसकी 10 10 10 सेम वही रहेगी अब फ्रीक्वेंसी देखो 15 है ये 10 है फ्रीक्वेंसी 15 है तो 15 10 10 15 तक आप उस रेक्टेंगल को बनाओगे उसकी हाइट 15 बनाओगे लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 बट क्लास विड्थ अलग है 30 है ना क्लास विड्थ 30 है कि नहीं तो इसमें देखो 8 30 इनटू जो मिनिमम आपकी क्लास वेट है 10 ये कितना हो गया 2.66 आप इसकी हाइट 8 नहीं लोगे इसकी हाइट कितनी लोगे रेक्टेंगल की 2.66 लोगे ये चीज देखो अब देखो अब लगाना इक्वल सा पहले कहां तक ले गया था वो इसको सिक्स तक ले गया था वो तो फ्रीक्वेंसी फिर प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा ना फिर वो तो ये देखो पहले कितने तक था आठ तक था तो ये तो बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन हो रही थी सेवेंटी टू हंड्रेड के बीच में हाइट टू पॉइंट सिक्स सिक्स रहेगी समझो कि नहीं समझो बताओ मुझे अब गोटेट नॉट समझ गए ना हिस्टोग्राम में क्या गलती हो सकती है अगर क्लास इंटरवल अलग अलग है और ये क्लास नाइन्थ का है अगर आप यह बोलोगे सर ओवर द टॉप है नहीं फाइन बताओ भाई किसी को कोई इश्यू है ठीक है अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन थर्ड आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पाई चार्ट अभी नहीं करा रहा पाई चार्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास कब होगी उसके बाद इसके बारे इसके बाद करूंगा मैं ठीक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते वक्त दो तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो ध्यान देना जो जो चीजें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने में आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान देने के लिए एक तो क्या करना है जो आपकी टेबल है ना उसमें से एक एक्स्ट्रा पहले और एक एक्स्ट्रा इंटरवल बाद में ऐड करना है मतलब पहले जो फ्रीक्वेंसी

ये भी जीरो में एंड करेगा क्योंकि कोई भी बच्चा का वेट या जो मार्क्स है वो इसके बीच में नहीं है जो भी बात मार्क्स है या वेट है कुछ भी वो इसके बीच में नहीं है ये ध्यान रखना जनरल उसमें बार ग्राफ बार ग्राफ में सेम रहती है वेट आपकी अलग अलग नहीं होगी अतुल वो डिस्क्रीट जनवरी फरवरी में कैसे अलग अलग हो जाएगी बताओ मुझे है ना उसमें नहीं होगी उसमें सेम रहेगी ठीक है? जहां क्लास वर्थ और ये आ जाते हैं ना वहां हिस्टोग्राम बनाओगे आप बार ग्राफ नहीं बनाओगे समझो इस चीज को ठीक है अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए पहली चीज मैंने क्या बताई ध्यान रखना कि पहला एक एक्स्ट्रा इंटरवल पीछे एक एक्स्ट्रा इंटरवल आगे लगाना है ठीक है ग्राफ बनाते वक्त हिस्टोग्राम बना लेना है हिस्टोग्राम बनाना सिखा दिया आपको हिस्टोग्राम बना लोगे फिर क्या करोगे आप इनके क्लास मार्क निकालोगे अब बताओ क्लास मार्क क्या बताया था मैंने क्लास मार्क मैंने क्या बताया था क्लास मार्क मैंने क्या बताया था बीच वाला पॉइंट क्लास इंटरवल के जो दो बीच का पॉइंट होता वो है वो क्लास मार्क है ठीक है आप क्या करोगे उस क्लास मार्क को जैसे थर्टी पॉइंट फाइव और इसके बीच का क्लास मार्क है ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ठीक है हाँ, ये देखिए थोड़ा सा थर्टी थर्टी पॉइंट फाइव के बीच का क्लास मार्क्स क्या होगा इसके बीच का क्लास मार्क क्या होगा ये होगा ये कर दिया इसके बीच का क्या होगा बीच का पॉइंट ये लिख दिया ठीक है यहां जीरो था तो ये कर दिया इसका ये कर दिया इसका ये कर दिया इसका ये कर दिया इसका ये कर दिया और लाइन ज्वाइन कर दी ये लाइन ज्वाइन कर दी ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा ये आपका क्या होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ठीक है इसमें क्लास मार्क का यूज कर रहे हैं बीच वाले पॉइंट का यूज कर रहे हैं फाइन एक तो ये तरीका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का एक खास बात क्या है एरिया जो इस इन रेक्टेंगल्स का एरिया है और इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया सेम रहेगा भाई अलग नहीं होता same होता होता सेम सेम है 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 एरिया एरिया ठीक ये बिल्कुल अगर आप हिस्टोग्राम हटा दो ना तो हिस्टोग्राम का जो एरिया इन रेक्टेंगल्स के बीच का और जो ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ पोलिगन ग्राफ है इसका सेम एरिया होता है तभी तो वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल सेम रहती है चाहे आप फ्रीक्वेंसी उससे करो चाहे हिस्टोग्राम से

सीधा 145 पे 5 है ये देखो 5 यहां रिप्रेजेंट कर दिया 155 पे 10 है 10 रिप्रेजेंट कर दिया 161 75 पे 8 है तो 8 रिप्रेजेंट कर दिया इन जो पॉइंट्स है इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया सीधा सीधा है ये आपका क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया जी, बताओ मुझे अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये चीज ठीक है शीट दो तो कर लोगे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फर्क पड़ता है भाई चीजों का मेहनत करने का फर्क पड़ता है और किसी भी चीज को डेटा आ गया अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके या आप अच्छे से बताते हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे सीधी सी बात है ठीक है दूसरा कोशिश करो कि अगर आप चंडीगढ़ के आसपास हो तो ऑफलाइन टेस्ट जो है दे पाओ ऑफलाइन टेस्ट का थोड़ा सा अपना रहता है कि लिख के एक क्लास में या लाइब्रेरी में बैठ के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ बैठ के दो आओ ठीक है और आई थिंक अराउंड मेरे अगर पोर्टल पे बात करूँ वन फिफ्टी के आस स्टूडेंट हैं लिख सिर्फ 50 रहे हैं वन थर्ड स्टूडेंट लिख रहे हैं इस बात का बहुत फ़र्क पड़ेगा आंसर राइटिंग का जिनको रिव्यू मिल रहे हैं उन्हें पता है कि क्या डिफरेंस है आंसर राइटिंग में समझ रहा हूँ बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है वही छोटी छोटी चीज़ों का और वो इम्प्रूवमेंट दस नंबर की पंद्रह की बीस की वो बहुत मैटर करेगी फाइन चलिए ये तो होगी हमारी बेसिक बातें ठीक है फिर अब आ जाओ एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ क्लासेस कैसे चलेंगे आपकी क्लासेस ऐसे चलेंगी हिंदी की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको और ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी मंडे वेनेसडे और फ्राइडे पहले मैम ने मैम लेंगे क्लास वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी ठीक है रिकॉर्डेड क्लास होगी ठीक है पहले क्या क्या हुआ लास्ट थ्री इयर्स के जो भी पेपर है लास्ट तीन जो पेपर है पिछले दस सालों के उनको छ मेन कंपोनेट में डिवाइड किया है ठीक है मैंने उसको कंपोनेंट में डिवाइड किया मैम डिस्कस करेंगे तो वो कंपोनेंट्स आपके क्या है जैसे फॉर एग्जांपल आपका व्याकरण है एक कंपोनेंट वो व्याकरण आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन व्याकरण से पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे ठीक है फिर आपका जैसे ट्रांसलेशन है पत्र लेखन है ठीक है आपका पद्यांश है And poetry जो होती है, है? आपका एसे है, ठीक आपका छह छह में डिवाइड करके पिछले तीनों पेपर होंगे, पहली बात। फिर उन्हीं की होंगी की होंगी आधे से पौने घंटे होगी मंडे वेनेसडे फ्राइडे को आपको पोर्टल पे हिंदी की क्लास मिलेगी ठीक दूसरा ट्यूसडे और थर्सडे ट्यूसडे और थर्सडे को आपको स्टेट्स की क्लास मिलेगी वो लाइव होगी स्टेट्स की क्लास क्या होंगी लाइव होंगी फाइन एनी इशू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस चलिए फिर करें खत्म आज का सेशन हां जी थैंक यू सो मच आपका प्रीसियस टाइम है इस टाइम ठीक है मेहनत करो बस और बाकी चीजें बाद में आती हैं ठीक है ठीक है चलिए फिर आज का यहीं ओवर करते हैं थैंक यू सो मच देखो पोर्टल पे मैं डालूंगा और जो बच्चे यूट्यूब पे भी डालूंगा जो ग्रुप में अराउंड 150 स्टूडेंट्स ही हैं तो जिनको अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हो कर लो ठीक है ठीक है? चलिए फिर मैं शीट आपसे शेयर करता हूं ये ग्रुप में आप सोल्व करना हो थैंक यू